सभी का स्वागत है, मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर। झांसी की सिमरा हमें 11वीं की छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते किया अपना जीवन समाप्त। झांसी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में कई राउंड हुई फायरिंग। झांसी की सीपरी बाजार पुलिस में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। कब्जे से निशानदेही पर डंडा किया गया बरामद। कानपुर देहात में ऑयल फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, एक की मौत, 6 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात की हत्या के 5 दोषियों को आजीवन हुआ कारावास, 44 साल बाद आया फैसला। अयोध्या में ट्रेनों में चोरी करने वाले सातिर चोर हुए अरेस्ट, सोते हुए यात्रियों का सामान करते थे चोरी। अतीक के साड़ू की 300 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग चला बुलडोजर, बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। जालौन में एक मंदिर के पुजारी का शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। बाना में पति ने पत्नी की गला दबा कर की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। हमीरपुर में दुकानदार के साथ मारपीट, दुकान लगाने को लेकर हुई थी मारपीट। छतरपुर में 4 लाइन हाईवे पर अज्ञात वाहन ने युवक में मारी जोरदार टक्कर, मौके पर हुई मौत। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर लाइव न्यूज चैनल, खबर आपके लिए। गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश हुआ प्रारंभ। विद्यालय में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ज्ञान के साथ साथ बच्चों को संस्कारी बनाने का पूर्ण प्रयास। सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय सुयोग्य शिक्षक द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यालय के संचालक हैं दीपेश श्रीवास व प्रधानाचार्य रघुनंदन गौतम। कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधाएं हैं, हवादार कमरे, खेल का मैदान, पुस्तकालय, डिजिटल नॉलेज हेतु कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। प्रत्येक माह मासिक टेस्ट के साथ साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होगी। बच्चों को आने जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही लीजिए गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में एडमिशन और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए उज्जवल। और अधिक जानकारी के लिए 7007021166 और 9695415800 पर कॉन्टैक्ट करें।